सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कैपिटल अकाउंट दे रखा है ए और बी का 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो ये हमारे को क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है क्योंकि सारे के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, चाहे वो ड्रॉइंग के रिगार्डिंग हो चाहे वो प्रॉफिट के रिगार्डिंग हो। सब्सिक्वेंटली असर्टेन क्या किया गया कि 5% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था या ड्रॉइंग था उसको कंसिडर ही नहीं किया गया जब अकाउंट को प्रिपेयर किया गया, जब अकाउंट को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कहता है ड्रॉइंग की गई थी, पार्टनर ने 12,000 निकाल ली थी, कब निकाल ली थी, एट द एंड ऑफ क्वार्टर, क्वार्टरली निकालता था तो एंड में निकालता था, ठीक है ना। सेकंड क्या कहता है, बी केस के अंदर 18,000 निकालता था एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर में निकालता था। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉफिट कहता है एडजस्टेड प्रॉफिट हमारे को पता है 2 लाख, जिसको पार्टनर में क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था 3:2 रेशो में। तो ये हमारे को क्वेश्चन कहता है कि ए बी की हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है। तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा ईयर है, ठीक है ना। स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल से, ठीक है ना, और एंड कब होता है, 31 मार्च को, ठीक है। और हमारे को क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है किसकी, ए की, और ये बी की, कितनी दी हुई है यहाँ पर, ये हमारे को दी हुई है 4 लाख और ये 3 लाख, ठीक है। अब हमारे को कौन सी निकालनी है, ओपनिंग निकालनी है, तभी तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कहते हैं जी प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे कितना, 2 लाख पार्टनर के बीच में, जो 3:2 रेशो में। तो भाई चाहे प्रॉफिट आप वापस लो चाहे ना लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एंट्री पे, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने के लिए जब प्रॉफिट दिया हुआ है तो वापस ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट क्या लिखोगे, टू टेक बैक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है ना। और वो किस रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्या थी रेशो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, 3:2 रेशो के अंदर था, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना था आपका, 2 लाख, 2 लाख आपका प्रॉफिट था, ठीक है ना। उसको डिवाइड कितने से करोगे, 3:2, 5, ठीक है ना। 2 लाख को अगर 5 से डिवाइड करते हो आप तो आंसर कितना आता है आपका, 40,000 आता है एक पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट सेकंड को कितने देने हैं, 80,000, तो इससे कितने ले लेंगे भाई, 80,000 वापिस ले लेंगे, ठीक है ना। ये कौन है, बी, और ये कौन है, ए, ठीक है ना। ए से कितने ले लेंगे, 1,20,000, ठीक है। और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कितने आ जाएंगे, 2 लाख रुपए वापिस आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है कि क्वेश्चन कहता है इससे कितने ले लिए हमने, 1,20,000, और इससे कितने लिए, 80,000। तो ये जो इनकी कैपिटल पहुंची है यहाँ पर क्लोजिंग, तो ये तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद है, तो मतलब इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट ऐड है कितना, 1,20,000, और इसके अंदर कितना प्रॉफिट ऐड है, इसके अंदर ऐड है 80,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5% दे देंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रोवाइड, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, ठीक है ना। और वो किस पे निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आगे क्या कहता है, ड्रॉइंग के ऊपर भी 5% लगाना है, लेकिन ड्रॉइंग भी नहीं अभी पता है। आगे क्वेश्चन कहता है ड्रॉइंग करता है, ए ड्रॉइंग करता है, कितनी ड्रॉइंग करता है, 12,000 एंड ऑफ द क्वार्टर। तो मेरे को ये बताओ ये पूरे साल के अंदर क्वार्टर कितने होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, ये लगा लिया हमने 4 क्वार्टर, ठीक है, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, ठीक है। कहता है कब निकालता है ये, एंड में निकालता है, तो पूरे साल इसने कितने निकाल लोगे, 12 चौक 48, तो 48,000 इसने निकाल लिए होंगे, ठीक है ना, किसने, ए ने, तो ए ने निकाल लिए होंगे 48,000, ठीक है। और निकालने के बाद ही इसकी कैपिटल कितनी पहुंची है, ये 4 लाख। अगर हम बात करें ए ने कब निकाले, एंड में, और इसका पीरियड निकालना चाहें कितने टाइम के लिए हम इससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एंड में निकालता है, फर्स्ट के एंड में निकाला तो कितने महीने बच गए, 9 मंथ, ठीक है, प्लस लास्ट के एंड में निकाला तो कोई मंथ नहीं बचा, डिवाइड किससे करोगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 4.5 मंथ इसका मंथ आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है बी, बी कहता है मैं तो 18,000 निकालता हूँ, और वो भी क्या निकालता हूँ, हाफ ईयर, ठीक है ना, ईच हाफ ईयर, तो 2 पार्टों में डिवाइड कर दो साल को, ये 6 मंथ, ये भी 6 मंथ, तो
तो 2 बार निकालता है 18 दूनी 36, 18 18 36, ठीक है ना। तो 36,000 निकालने हैं, इसने कितने निकालने हैं 36,000। उसके बाद इसको प्रॉफिट मिला 80,000 का, और इसकी कैपिटल लास्ट में कितनी पहुंच गई 3 लाख। अब कहते हैं इसका पीरियड निकालना है, कब निकालता है ये, एंड में निकालता है। अगर इसके एंड में निकाल लोगे तो कितने बचे होंगे 6 मंथ, और लास्ट के एंड में निकालें तो इसके बाद कितना टाइम बचे, कोई बचा ही नहीं है। तो क्या लिखोगे, 0 डिवाइड करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 3 मंथ। तो कैलकुलेट कर लोगे ये, ठीक है। आगे क्या कहता है, अब इसके ऊपर ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा दो, कितना है हमारे पास 48,000, ठीक है, कितना है 48,000 फर्स्ट केस के अंदर। और किस परसेंट से लगाना है, ये लगाना है 5% से, 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है, इंटू टाइम कितना लगाना है 4.5 डिवाइड बाय 12। तो हमारा और सेकंड का कितना आएगा, सेकंड है हमारे पास 36,000, ठीक है ना। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए प्रयास करते हैं फिर भी, ठीक है। ये कितना था 36,000, ठीक है, इनटू किस रेट से लगाना है, इस पे 5% से, 5 डिवाइड बाय 100 इनटू कितना है, यहाँ पर मंथ निकले थे 3 मंथ, ठीक है ना। तो डिव इंटू कितना करोगे 3/12, ठीक है। तो क्या करोगे ये, अब आपके पास दो आंसर बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट 2 जीरो से क्या कर दो, 2 जीरो काट दो, ठीक है। ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 480, कितना बन जाएगा 480, मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 4.5 से, और डिवाइड किससे करोगे इसको 12 से, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना बनेगा फर्स्ट का, 900 रुपये इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, ड्रॉइंग के ऊपर फर्स्ट केस का। अगर सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पर कितना, 2 जीरो से क्या कर दो, 2 जीरो काट दो, ठीक है, 12 से 3 पे, ठीक है, 30। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 30 90, और 90 को कितने से करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 450 आएगा। तो सेकंड केस के अंदर कितना आ जाएगा, 450 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, तो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किससे चार्ज करोगे, ए से चार्ज कितना करोगे आप 900, ठीक है, 900, और बी से कितना करोगे आप 450 चार्ज करोगे, ठीक है ना। और आपके बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट आ जाएगा, ये 900 और 400, 1350 आपके बिजनेस के अंदर आ जाएगा। आप कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, तो 4 लाख आपके लास्ट में थे, ठीक है ना, 4 लाख थे लास्ट में। इसमें कहता है प्रॉफिट ऐड है, तो प्रॉफिट माइनस करो, कितना था 1,20,000, तो मेरे पास बच गए 2,80,000। कहता है 48,000 मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए थे, तो ऐड करने पड़ेंगे अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, प्लस क्या करोगे 48,000, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3,28,000, ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर। सेकंड केस के अंदर कितना आएगा, 3 लाख लास्ट की क्लोजिंग कैपिटल थी, इसमें से कहता है 80,000 प्रॉफिट ऐड है, तो माइनस करो, प्रॉफिट तो ऐड रखना नहीं है आपने, और कहता है ड्रॉइंग की थी तो ये ऐड करनी पड़ेगी कितने से, 36,000 से। तो मेरे पास कितना आएगा 256,000, ठीक है। और अब इसके ऊपर क्या लगाना है आपको, इंटरेस्ट लगाना है, कितने परसेंट से, 5% से, तो इसकी 2 जीरो काट दो, तो ये कितना बचेगा 3280, 3280 बचेगा, ठीक है ना। ये बचेगा आपका 1%, आपको कितने परसेंट चाहिए, 5% चाहिए, ठीक है ना, आपको चाहिए इंटू 5, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 16,400, कितना आ जाएगा ये 16,400, ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर। सेकंड केस के अंदर कितना है ये, अगर हम बात करें 1% निकालना है, 2 जीरो काट दो, तो कितना हो जाएगा 2560, कितना हो जाएगा 2560, और कितने परसेंट लेना है आपको 5%, तो कितना आ जाएगा 12,800, कितना आ जाएगा आपका 12,800, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये पार्टनर को आप ट्रांसफर कर दो, कितना, ए को कर दो 16,400 और बी को कितना कर दो आप 12,800, ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से काट लो। तो कितना था ये 12,800 प्लस 16,400, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 29,200, ये हमने चार्ज कर लिया। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट कर लिया, मेन दो ही एडजस्टमेंट थी जो आप भूल चुके थे, दोनों को ऐड करो। अब क्या करते हैं, प्रॉफिट देखते हैं कितना है आपके पास, आपके पास प्रॉफिट था 2 लाख, प्लस कितना आ गया इसके अंदर 1,350 आपका, जो क्या आया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने चार्ज किया, तो प्लस क्या करोगे आप 1,350, ठीक है ना। तो आपके पास टोटल कितना बन जाएगा, ये 2,00,000
1,350, ठीक है ना। अब ये तो कम है, इसमें से ये माइनस करो कितना, 29,200, ठीक है। तो भाई मेरे पास बचेगा 1 लाख, कितना बचेगा, 1,72,000, और ये 150, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर के बीच में, क्योंकि ये प्रॉफिट है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2,01,350। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है अपने 3:2 में, तो इसको डिवाइड करो, कितने से डिवाइड करो इसको, इसको 5 से डिवाइड करो, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करोगे तो हर हिस्से में कितना आ जाएगा आपका, हर हिस्से में आ जाएगा आपका 34,430। और एक को कितने देने हैं, एक को देने हैं 3 हिस्से, और बी को देने हैं 2 हिस्से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज पर पार्टनरशिप जो रेशियो है, इनकी रेशियो क्या है, 3:2, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने रेशियो जाएगी, इसको जाएंगे 2 हिस्से, ठीक है ना। एक को जाएंगे 3 हिस्से और एक को जाएंगे 2 हिस्से। तो जिसको 3 हिस्से जाएंगे उसके खाते में कितने आ जाएंगे, 1,03,000, और ये 290। और जिसके खाते में कितने जाएंगे, 2 हिस्से जाएंगे, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, कितना माइनस कर देते हैं, ये 1,72,150। तो इसके खाते में कितने जाएंगे, 68,860, ठीक है। अब इसको टोटल करो, टोटल करोगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 68,860 प्लस क्या करोगे, 12,800, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 81,660। यहाँ कितना आएगा, 80,450। यहाँ कितना आएगा, 1,20,900। तो अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो क्या पाओगे आप, 1,90,690, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो, माइनस करोगे कितने से, 1,20,900 से, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,210। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1,210। और ये किसकी वजह से आया आपका, ये आया आपका डेबिट की वजह से, ठीक है। और क्रेडिट ये क्या हो जाता है, टोटल यहाँ डेबिट क्रेडिट में थोड़ा डिफरेंस है, देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। ये आपका 81,000 क्रेडिट साइड में है, जो 660 माइनस क्या करना है आपको, 80,000, और ये 450, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 1,210, और ये किसकी वजह से आया, ये क्रेडिट की वजह से। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1,210 से, और ये भी 1,210 से। तो आपने ऐसे एंट्री पास करनी है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।